स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन कर रहे थे, ठीक है। अब हम ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके लिए एक्सप्रेशन किया था, मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमने इसके केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस क्या था? जब हमारी इंक्रीज होती है हाइट। मैं आपको ये इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार दोबारा से उसे रीड आउट कर लेंगे मेरे साथ तो आपका भी अच्छा दोबारा से एक बार दिमाग में इमेज बन जाएगी, ठीक है। इंक्रीज हाइट, अगर किसी भी मैं हाइट पे लेके जाती हूँ किसी ऑब्जेक्ट को। सेकंड क्या था? मैं किसी डेप्थ पे लेके जाती हूँ। थर्ड मैंने लिया था ऑन सेंटर, और फोर्थ मैंने लिया था इफेक्ट ऑफ साइज, ठीक है। ये मेरा था। अब देखो, जब मैंने इंक्रीज करी थी हाइट, ठीक है, अगर मैं हाइट पे लेके गई थी किसी भी उसको, तो मेरी ग्रेविटी क्या हुई थी? डिक्रीज। जब मैंने इंक्रीज करी थी डेप्थ में, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी अर्थ के डेप्थ में लेके गई थी, तो क्या किया था मैंने? मास चेंज हुआ था हमारी अर्थ का, जिससे हमारे अंदर मास मैंने लिया था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। उसे मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था, और मेरा जो जी डैश आया था वो क्या आया था? वो आया था मेरे जी के कम, ठीक है। तो क्या हुआ था? वो भी जी डैश डिक्रीज हुआ था मेरा, ठीक है। डेप्थ के साथ मेरा क्या हुआ? जी डैश डिक्रीज। जब मेरी डेप्थ इंक्रीज हुई, सेंटर पे क्या हो गया था? सेंटर पे मेरी ग्रेविटी हो गई थी जीरो, तो मेरा जी डैश भी क्या हो गया था? जीरो। इट मीन्स मैं क्या होती थी? सेंटर पे क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट? क्या होता है? वेटलेस, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ साइज क्या था? आर ऑफ पोल मेरी क्या होती है? ग्रेटर होती है। आर ऑफ पोल, सॉरी, लेस देन होती है आर ऑफ इक्विटोरियल, ठीक है। आर ऑफ इक्विटोरियल या इक्वेटर लाइन, ठीक है। पोल पे मेरी क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? कम। और इक्वेटर पे मेरी डिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा। दैट्स वाई मेरा जी क्या होगा? पोल पे होगा ज्यादा, और मेरा इक्वेटर पे होगा क्या? कम, ठीक है। तो मेरा जी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन जी ऑफ ई, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ साइज मेरा ये हो गया था। इसके बाद आता है बेटा न्यू कंसेप्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने अब सबसे पहले आप इसे छोड़ो, इस कंसेप्ट को छोड़ो। आप देखते हो डेली की लॉन्च होती है ना, सैटेलाइट लॉन्च होती है, वो बहुत ही ज्यादा देखा होगा कंबस्शन होके एक बहुत ज्यादा हीट नीचे जाती है, ठीक है। ऐसे आग लगती है और एकदम से रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो एकदम से इतनी हीट जाती है, ठीक है, रॉकेट गया चला गया। अब देखो किसी भी इसके वेलोसिटी होता है बेटा कि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी। अब ये ऊपर जाने वाली वेलोसिटी आप छोड़ो, अब सबसे पहले देखो मैं किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करती हूँ, वो क्या आते हैं? डाउन टू द अर्थ, ठीक है। तो एक वेलोसिटी बेटा ऐसी होती है, अगर मैं उस वेलोसिटी से उस चीज को थ्रो कर दूं ऊपर, ठीक है, तो वो कभी नहीं आती अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है मेरे इसके वेलोसिटी, ठीक है, कि मैं इतनी ज्यादा वेलोसिटी से, इतनी ज्यादा स्पीड से किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दूं अपवर्ड डायरेक्शन में कि वो अर्थ के सरफेस पे कभी आए ही ना। जो हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर की जो लेयर होती है वो क्या कर जाए? उसे भी क्रॉस। और जो मेरी एटमोस्फेयर की लेयर होती है ये बहुत थिक होती है, इसे क्रॉस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसे क्रॉस हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से कर देंगे तो क्या कर जाएगी? उसे क्रॉस कर देगी, ठीक है। और जो कि हमारा अर्थ का सरफेस बहुत हैवी है, ठीक है, एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये वापस नहीं आएगी अर्थ सरफेस पे, क्योंकि अगर एटमोस्फेयर हैवी ना होता तो मीटियोर्स और जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये सीधा हमारे अर्थ के सरफेस पे आते, ठीक है। अब आपको बताएं, ये साइंटिफिक टर्म्स बता रही हूँ मैं आपको सारी, ठीक है। अब मीटियोर्स या मेटर्स आते हैं, ठीक है, मीटियोर्स मेटेरॉइड्स अर्थ पे आते हैं, वो उल्का पिंड या उल्काएं ऐसे आप न्यूज में देखते होंगे कि वो अर्थ पे आती है, ठीक है। वो जब आती है उनमें क्या होता है? बर्निंग, ठीक है, बर्न हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? जो एटमोस्फियर में हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं उनसे जब वो मीटियोर्स टकराते हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या लग जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या हो जाती है? फायर, ठीक है, हीट ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए फायर बर्निंग हो जाती है। और क्या होता है? हमारी वहां पे आग लग जाती है और वो ऐसे अर्थ पे आते हैं जलते हुए। अब रात में आपने मूवीज बहुत देखी होंगी, ठीक है, आप मूवीज देखते हैं, उसमें हीरो हीरोइन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि तारा टूटता हुआ देखा है तो आप विश मांगते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी किया होगा कि तारा टूटता हुआ देखा तो विश मांगनी चाहिए, कंप्लीट हो जाती है। एक्चुअली वो तारा टूटना होता है क्या है? जो वो स्टार टूट के हुए जाते हैं, एक्चुअली वो स्टार नहीं होता, वो क्या होते हैं? मीटियोर्स, जो बहुत ही ज्यादा
स्पीड के साथ आ रहे होते हैं और एटमॉस्फेयर में जो गैस पार्टिकल्स है उससे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो क्या आते हैं अर्थ के सरफेस पे, वो जलते हुए गिरते हैं। इसलिए वो हमें क्या कर लगते हैं कि वो कोई स्टार टूट रहा है, एक्चुअल में क्या होते हैं वो मीटियोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है जो कि ये स्टार्स नहीं होते और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी कोई विश कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मूवीज में ज्यादा मत जाइए। तो ये एक्चुअल में साइंटिफिक फैक्ट इसका ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, अब अगर उस मुझे एटमॉस्फेयर की जो थिक लेयर होती है अगर मुझे उसे क्रॉस करना है, अर्थ से मुझे दूर जाना है, तो क्या होगा, मुझे एक वेलोसिटी की जरूरत होगी उसे दूर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, यही वेलोसिटी मेरी होती है एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी। एक तो मेरी ये डेफिनेशन हो जाती है, अगर मैं इसे डिफाइन करती हूँ तो मेरा ये इसी से डिफाइन होगा कि इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू थ्रो अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस दैट इट कम्स नेवर कम ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी होती है जो मुझे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होती है अर्थ के सरफेस से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए। ठीक है, ताकि एटमॉस्फेयर की उस लेयर को क्या कर जाए, क्रॉस, और कभी वापस ना आए अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो मेरी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये आप समझ गए। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 3 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कि इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू थ्रो अ ऑब्जेक्ट दैट इट नेवर कम्स ऑन दी अर्थ सरफेस। ठीक है, ये एक मिनिमम वेलोसिटी होती है जो रिक्वायर होती है अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए, जो कि ये हमारे अर्थ के जो एटमोस्फेयर है उसे क्या कर जाए, क्रॉस, और कभी वापस ना आए लौट के अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो जो मेरे सैटेलाइट और जो भी मैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं या कोई भी रॉकेट बाहर जाता है, जो जैसे कहते हैं नासा ने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है, तो ये यही होता है बेटा। ठीक है, तो हमें उस रॉकेट को और या किसी भी एक सैटेलाइट को इतनी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी दी जाती है, इतना ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कि उसमें पीछे से हीट इतनी बर्न होती है फिर इतनी ज्यादा वेलोसिटी देने से। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर जाता है रॉकेट और वो क्या कर जाता है, एटमॉस्फेयर लेयर को क्रॉस। ठीक है, जिसके वजह से फिर वो वापस नहीं आता नीचे सैटेलाइट मेरा। ठीक है, तो किसी भी एक लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट को क्या जरूरत होती है, मेरी एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, अब आप ऐसे मानो आप किसी एक हाइट पे खड़े हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा हाइट पे खड़े हो और आपने कोई एक चीज फेंकी, वो क्या आएगी, नीचे। आप अर्थ के सरफेस से कुछ फेंको वो भी क्या आएगी, नीचे। आप हाइट पे जाके फेंको वो भी नीचे ही आएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इस मेरी एटमॉस्फेयर की लेयर को क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वही क्या होती है, इसको वेलोसिटी। ठीक है, तो आप जैसे आप कोई भी बुलेट भी फायर करोगे ऐसे बुलेट को भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी मिलती है गन से, पर वो भी क्या करती है, नीचे ही आती है। ठीक है, क्योंकि वो भी उतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती बेटा कि वो एटमॉस्फेयर लेयर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर लेयर को क्रॉस करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत है। ठीक है, ताकि बिल्कुल ऐसे जाए जो क्रॉस हो जाए एकदम से, चीर दे एटमॉस्फेयर लेयर को। ठीक है, तो इसे चीरने के लिए, इसे क्रॉस करने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी है या एस्केप कराने की वेलोसिटी है या क्रॉस करने की वेलोसिटी, आप इसे कैसे भी डिफाइन कीजिए, ये सारी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसके लिए अब इसमें हम क्या करेंगे, आज एक्सप्रेशन में हम ये करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी की एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, कि कितनी ज्यादा हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए, कि कितनी ज्यादा वो स्पीड चाहिए जिससे हम एटमॉस्फेयर लेयर को क्या कर जाए, क्रॉस। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूंगी, अब देखो बेटा एस्केप वेलोसिटी को सबसे पहले डिफाइन तो कैसे करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट नेवर कम्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड
एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो जो मिनिमम वेलोसिटी मेरी रिक्वायर होती है थ्रो करने के लिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, सच दैट इट नेवर कम्स ऑन अर्थ सरफेस, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसे मैं कैसे डिफाइन करूंगी, इसके लिए मैं एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगी। अब देखो, कोई भी मेरी अर्थ अर्थ है, ठीक है, ये मेरी अर्थ की रेडियस होगी, ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, कोई भी मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी मेरी एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस है आर, ठीक है, इसमें मैं एक स्मॉल पार्टिकल लेती हूँ डी आर, और ये मेरा क्या है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं अगर किसी भी एक, मैंने ये मेरे डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ से लेके किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, जिससे जहां मैंने खड़े होके कोई एक चीज थ्रो करी होगी अपवर्ड, ठीक है, ये मेरी डी आर है, ठीक है। डी आर में एक स्मॉल पार्टिकल इसलिए ले रही हूँ बेटा, स्मॉल एलिमेंट में इसलिए ले रही हूँ कि अगर मैं इसका स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरे वॉल ऑफ द एलिमेंट का, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट से अगर मुझे वॉल एलिमेंट का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन, और अगर मैं ज्यादा बड़े से अगर मुझे छोटे का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर रख सकते हैं कि बड़े से मुझे छोटा निकालना तो डिफरेंशिएशन, अगर मुझे बड़े से छोटा करना होता है तो क्या करती हूँ मैं, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन का डी और डिफरेंशिएशन का डी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर मुझे छोटे एलिमेंट से मुझे बड़ा एलिमेंट निकालना है तो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की और बहुत सारी एप्लीकेशन अपनी मैथ क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में टर्म यूज होनी है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट मैंने डी आर लिया, ये मेरी डिस्टेंस हुई आर, और ये मेरी अप टू इन्फिनिटी तक मुझे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम एट पॉइंट ए, ठीक है। कोई भी मैंने एक पॉइंट ए पे मैंने एक बॉडी को क्या किया है, कंसीडर, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा बी। कंसीडर बॉडी ऑफ मास एम एट पॉइंट ए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द बॉडी और अर्थ क्या होगा, F इज इक्वल टू जी एम वन जी एम एम बाय आर स्केयर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आर स्केयर, जो मेरी बॉडी और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस वो क्या है, स्मॉलर आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्केयर। तो मेरा F इज गिवन बाय जी एम एम बाय आर स्केयर, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये मेरा हुआ फोर्स, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब मानो मैंने एक बॉडी डिस्प्लेस करी एक स्मॉलर डिस्टेंस से, दैट इज स्मॉल एलिमेंट क्या थी मेरी डी आर, स्मॉल लेंथ क्या थी मेरी डी आर, ठीक है। लेट बॉडी इज डिस्प्लेस्ड through small displacement dr, then work done dw क्या हो जाएगा मेरा, एफ टी आर, ठीक है। तो मेरा work done क्या हो जाएगा, force into displacement dw is equals to एफ डी आर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अगर मैं F की वैल्यू पुट करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ F इन सेकंड, देन मेरा dW क्या हो जाएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। जिस वर्क डन, अगर मुझे वर्क डन हो जाता है तो उससे मैं काइनेटिक, अगर मैं बता दूंगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वर्क डन होगा। अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मेरी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इफ आई पुट दी वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मास मुझे पता है, मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। और वही वेलोसिटी मेरी यहाँ पे क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो देन लेट्स डू इट,
dw इज इक्वल्स टू gmm बाय r स्क्वायर dr, ठीक है। अब ये मेरा क्या स्मॉल एलिमेंट के लिए है वर्क डन, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पूरे एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, ये मेरा वर्क डन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dw इंटीग्रेशन विल बी gm m बाय r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू gm m कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r स्क्वायर dr, ठीक है। अब इससे आगे हम कैसे करेंगे, अब देखो बेटा आपको बताया था मैंने जब मेरी ऐसी वैल्यूज होती है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx वो क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1, n प्लस 1। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n dx, अगर मैं इसे अपवर्ड लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस n dx। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो यहां से मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर क्या हो जाएगा, आर माइनस 2 डी आर, तो क्या होगी, आर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगी फिर, आर की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। तो ये आया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर का डी आर का, ठीक है, ये मेरा 1 बाय आर स्क्वायर का है इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या था, मेरी जो कोई भी एक जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, वो मेरी चेंज हो रही है रेडियस ऑफ अर्थ इट मीन सरफेस से, ठीक है। सरफेस से वो कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। सरफेस से और मेरी अर्थ के ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी थी, आर, तो वो कहाँ से जा रही है, सरफेस पे मेरी डिस्टेंस थी आर, ठीक है। ये देखो वो जो मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा अगर मैं किसी भी उसे थ्रो कर रही हूँ तो क्या जा रहा है, किसी भी इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो ई वाली अर्थ में से तो वो निकल के नहीं जा रहे है, थ्रो तो उसे हम किसी सरफेस से ही कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आया, थ्रो तो हम किसी सरफेस से ही कर रहे हैं, उसकी हम रेडियस से तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, वो क्या होगा, सरफेस से चेंज हो जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन इट विल बी चेंजेस टू आर टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसे करूं देन डी डब्ल्यू विल बी जी एम एम आर एस पर इन्फिनिटी 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब ये मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर क्या आया था, ये आया था मेरा 1 बाय आर, तो यहाँ पे क्या हुई, आर टू इन्फिनिटी चेंज हुई, जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी एम m 1 by r r to infinity, if I put the upper limit minus lower limit then it will be back then will be g m m 1 upon infinity minus 1 upon r, ये क्या था minus of, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये यहाँ पे भी माइनस था बाहर, मैंने ये वाला माइनस बाहर लिया और ये क्या है माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर। अब देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 जी एम एम माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 ये माइनस 1 अपॉन आर, माइनस 1 अपॉन आर और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर, देन वर्क डन विल बी जी एम एम बाय आर, ये क्या आ गया मेरा वर्क डन। और ये वर्क डन किसके टर्म्स में आया बेटा, काइनेटिक एनर्जी, दिस क्योंकि मूव कर रही है मेरी बॉडी तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, तो मेरा वर्क डन किसके फॉर्म में आएगा, दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से देखो अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स में मेरा क्या है, ये वर्क डन, दैट इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मैं इसे इक्वेट करूं इससे आर, एम से एम मेरा कैंसिल आउट हुआ, वी स्क्वायर क्या हुआ मेरा
टू जी एम बाय आर, देयर फोर जी की वैल्यू मेरी क्या आई, सॉरी वी की वैल्यू मेरी क्या आई, रूट टू जी एम बाय आर। ठीक है, तो ये मेरी जो वी की वैल्यू है यही मेरी वैल्यू क्या है, एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, अब मेरी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर, इट मीन्स अंडर रूट ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखो मुझे ग्रेविटेशनल वैल्यू, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की भी वैल्यू गिवन है, मास ऑफ अर्थ की भी वैल्यू गिवन है और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी गिवन है, तो क्या मैं यहाँ से उस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकती हूँ जिससे हम थ्रो करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो क्या यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी कि जो हमें वेलोसिटी चाहिए, जो हमें वो स्पीड चाहिए, अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को दूं तो वो इस एटमोसफेयर को पार कर जाए, अगर वो कोई स्पीड हमें दे देता तो हम भी इस एटमोसफेयर से पार कर जाएंगे और एज अ रॉकेट मूव करेंगे। ठीक है, तो ये एक वेलोसिटी है बेटा जो हमें चाहिए सबको। ठीक है, जो हमें एस्केप वेलोसिटी, अगर हमें एटमोसफेयर से बाहर जाना है तो ये उस ऑब्जेक्ट को चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो चलेगी बट इससे कम हो तो वो क्या आ जाएगी, दोबारा से अर्थ सर्फेस पे, और क्या हो जाएगा, क्रैश। ठीक है, इसलिए क्रैश से बचने के लिए मिनिमम वेलोसिटी हमें जितनी देनी चाहिए वो क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी। तो हमें ये वैल्यूज मिल गई, अब मैं इन वैल्यूज को पुट करूं, जी क्या होता है मेरा, अब यहां से एक तो फॉर्मूला मेरा ये होता है, अब देखो मेरा ये क्या होता है, एज आई नो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे एक, ये क्या होगा, जी एम आर डॉट आर, अगर मैं एक आर को मूव करा देती हूँ तो जी आर विल बी जी एम बाय आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरी एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सीधा निकलवाते भी है। ठीक है, कि आप प्रूव कीजिए, आप रिलेशन बताइए, ये क्या है, एक रिलेशन भी है एस्केप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी। ठीक है, तो आपसे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो मेरा एस्केप वेलोसिटी है इसमें भी रिलेशन निकलवाते हैं तो आप ऐसे ही पूरा एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कीजिए, जी की वैल्यू क्या होते हैं 9.8, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10^6 मीटर, देन पुट इट वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10^6। ठीक है, अब देखो v इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, 11.2 इंटू 10^3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 10^3 मीटर, तो इसे मैं क्या कर सकती हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी वैल्यू होता है बेटा एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं किसी भी बॉडी को स्पीड दे दूंगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की, तो वो क्या कर जाएगी, इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस और क्या करेगी, एज अ सैटेलाइट मूव करेगी। ठीक है, अब वो तो वो क्या है मेरी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इट मींस अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक सेकंड पे थ्रो करा दूंगी 11.2 किलोमीटर, आप देख सकते हो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, ये बहुत ही हाई हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो यूसेन बोल्ट है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा तेज भागने वाले, ये भी 100 मीटर की रेस 8-9 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो वो मीटर है। ठीक है, 100 मीटर रेस होती है 8-9 सेकंड में। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा हो जाता है, अगर हम इतनी वेलोसिटी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दे देते हैं और अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो क्या कर जाएगी, इस एटमोस्फेयर को पार कर जाएगी और वहीं पे बाहर हमारे सोलर सिस्टम में ही मूव करेगी वो। ठीक है, बाद में हमारे इस अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट था। अब इसके बाद बेटा कुछ लॉज होते हैं ग्रेविटेशन के, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है सिर्फ, इसमें प्रूविंग का कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी। इन्हें हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। थ्री लॉ होते हैं केपलर्स के, फर्स्ट सेकंड एंड थ्री, इनके सिर्फ डेफिनेशन है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है,
केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. देर आर थ्री लॉज ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, या मैं क्या बोलूंगी, केपलर्स फर्स्ट लॉ. या मैं सेकेंड बोलूं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, या फिर केपलर्स सेकेंड लॉ. थर्ड में बोलूंगी लॉ ऑफ टाइम पीरियड. या मैं बोलूंगी केपलर्स थर्ड लॉ. ठीक है, तो ये केपलर्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के नाम से इतने नहीं जाने जाते जितना मैं इसे लॉ ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइन कर लेते हैं. और जो ये वाला लॉ होता है इसके लिए प्रूविंग भी है. ठीक है, ये वाला लॉ प्रूव भी करा लेते हैं. ये दोनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ठीक है थ्योरी भी पूछ लेते हैं कि आप डिफाइन कीजिए तीनों लॉज को, या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड को आप प्रूव कीजिए, या इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी. ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सोचिए कि इन क्वेश्चंस पे, इस लॉ पे एग्जाम आ जाते हैं ग्रेजुएशन में भी. ठीक है, क्वेश्चन तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तब फर्स्ट लॉ को कैसे करेंगे, द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, तो आप कैसे करेंगे लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट को. ठीक है, तो ये लॉ हमारा बोलता है कि कोई भी हमारा जो सन है, ठीक है, जो मेरी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ. और जो सन होता है मेरा वो क्या होता है, वन ऑफ इट्स फोकाई पे. ठीक है, वन ऑफ इट्स फोकस, वो फोकस पे होता है कि जो मेरी अर्थ होती है वो जो मूव करती है मेरे सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, और जो मेरा ये होता है F1 एंड F2, ये मेरी अर्थ मूव कर रही है. और जो मेरा सन होता है किसी इसके फोकस पे होता है, या तो इस पे होएगा या फिर इस पे होएगा. ठीक है, तो ये मेरा लॉ क्या कहता है, ये. ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है. तो आप इसे कैसे करेंगे, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड दिस सन इज कंसिडर्ड एट वन ऑफ इट्स फोकस एंड फॉलोड द पाथ इलिप्टिकल. ठीक है, एवरी प्लेनेट जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, क्या कंसिडर किया जाता है कि सन होता है उसके वन ऑफ इट्स फोकस पे. ठीक है, और वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इसके इलिप्टिकल पाथ में. ठीक है, तो ये लॉ सिर्फ इतना ही है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती है, आप सिर्फ डेफिनेशन ही कीजिए. सेकेंड वन इज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी. जो कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड कैसे मूव करती है, इलिप्टिकल पाथ में. ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ में जब वो होती है बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सन के बहुत पास होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सन के बहुत दूर होगी. ठीक है, तो यहां से देखो, अगर ये मेरे ऐसे एक्सिस है, सन इसके एक फोकस पे है. ठीक है, तो अगर यहां से मेरा टाइम ये लूं मैं, अर्थ मेरी यहां थी फिर यहां गई. ठीक है, और अर्थ मेरी एक यहां थी और फिर यहां आई. ठीक है, ये मेरे पॉइंट है ए से बी पे गई, ये है ए डैश से बी डैश पे. ठीक है, तो इसमें जो मेरा एरियल वेलोसिटी का जो लॉ होता है ये क्या करता है कि जो मेरा टाइम होता है ये मेरा इक्वल होता है. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये वाला आपको ज्यादा लग रहा है, ये वाला आपको कम लग रहा है. तो आप देखते हो कि इतने डिस्टेंस कवर करने में क्या ये सेम होता है. हाँ, इसमें ये होता है बेटा, एरियल वेलोसिटी ये होती है जब हमारी अर्थ सन के बहुत ज्यादा पास आ जाती है तो वो क्या करती है, बहुत ज्यादा जल्दी से मूव कर जाती है उस एरिया को. ठीक है, और जितना ज्यादा दूर होती है आराम आराम से वो क्रॉस करती है. ठीक है, तो ये जो टाइम होगा ए टू बी जाने में और ए डैश टू बी डैश जाने में डिस्टेंस अलग है. ठीक है, बट जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेम. वो क्यों होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो वो वेलोसिटी क्या कर देंगे,
कम, ठीक है, ताकि टाइम उतना जाए, और अगर डिस्टेंस ज्यादा तो वो स्पीड भी क्या कर देंगे ज्यादा, हमारा प्लेनेट भी बहुत ज्यादा स्वीप कर जाएगा इस एरिया को, तो ये क्या हो जाएगा लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो मेरा टाइम जो होगा ए टू बी जाने में और जो मेरा टाइम होगा ए डैश टू बी डैश जाने में वो क्या होगा सेम। तो मैं इस लॉ को कैसे डिफाइन करूंगी, द लाइन जॉइनिंग the sun and the planet sweeps out equal area in equal interval of time, ठीक है। तो जो मेरा ये लाइन ज्वाइनिंग है मेरे सन और अर्थ को, जो ऐसे ठीक है लाइन ज्वाइन कर रही है सन और प्लेनेट को, तो जो ये एरिया होगा यहां से लेके यहां तक का और जो टाइम होगा वो क्या होगा इस एरिया और इस टाइम के इक्वल, ठीक है। एरिया स्वीप्स आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकती हूं मैं, द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट इन मूविंग फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट फ्रॉम अ मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट थ्रू टेकन बाय द प्लेनेट फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, ठीक है, वो इक्वल होगा टाइम टेकन बाय ए डैश टू बी डैश। दिस इज नोन एज कैपलर्स सेकेंड लॉ, ठीक है। ये क्या होता है मेरा कैपलर्स सेकेंड लॉ। अब इसके बाद आता है बेटा मेरा इंपॉर्टेंट है ये मेरा होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्या होता है मेरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो आप इसे कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले ये जो फोर ये जो लॉ है ये कहता क्या है, तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये प्रूव करने के लिए आता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन of the time period of revolution of a planet is directly proportional to cube of its semi-major axis, ठीक है। तो अब देखो बेटा जो ये होता है ऐसे मेरा इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, तो जो ये वाली एक्सिस होती है क्या होती है सेमी मेजर, और ये वाली जो एक्सिस होती है क्या होती है सेमी माइनर, ठीक है। ये आप अपने मैथ्स में पढ़ोगे अभी 11th क्लास में, ठीक है। तो जो मेरी ये वाली होती है ये होती है मेरी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, और जो मेरी ऐसे एक्स एक्सिस के ट्वार्स होते हैं वो क्या होती है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो आप इसका प्रूव कैसे करेंगे, ये मुझे कह रहा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब मैं इसे प्रूव कैसे करूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा ये कोई भी मेरा एम है, ये जो बॉडी है वो है मास एम, ये एस ये आर, ठीक है, ये जो मेरी सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पे मेरी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लेट मास इज इक्वल टू मास ऑफ सन, ये मेरा सन है और ये क्या कर रही है मेरी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, मास ऑफ सन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो बेटा यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसे सेंटर से दूर रखने के लिए,
ठीक है, वो क्या होगा ग्रेविटेशन फोर्स के, अगर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाए ग्रेविटेशन से तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी आपस में मर्ज, तो ये क्या होने चाहिए इक्वल, ठीक है, ताकि ये मर्ज ना हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है mv स्क्वायर बाय r, ग्रेविटेशनल फोर्स gm m बाय r स्क्वायर, r से r कैंसिल आउट हुआ, v स्क्वायर विल बी gm बाय r, ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेटा मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाय r है, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी क्या होती है, velocity is equals to displacement upon time, तो यहाँ पे देखो बेटा ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे है तो डिस्प्लेस होके जो यहीं पे आए तो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो जाएगी 2πr और टाइम क्या हो जाएगा t, तो मेरी v क्या हो जाएगी 2πr by t, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसमें वैल्यू ऑफ टी पुट करूंगी तो 4π स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर विल बी जी एम बाय आर, ठीक है, तो ये मैं अगर उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 4π स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर, जी एम को मैं ऐसे लेके आती हूँ तो क्या आएगा 4π स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा जी एम भी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट, g और m कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्यों क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ t स्क्वायर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है, और यही मेरा क्या है कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, तो ये मेरा टाइम पीरियड का लॉ है t स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया ग्रेविटेशन फोर्स लिया पहले सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, उसके बाद मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स से वो इक्वेट किया, देन मैंने एनर्जी की उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकाले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, देन मैंने इक्वेशन में पुट की, ठीक है, उससे मेरा क्या है टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दिस इज माई थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स मोशन, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लास्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन अ प्लेनेट बोथ साइज इज द सेम एंड मास इज 4 times, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4 times as that of earth, find the amount of work done to lift 3 kg mass, velocity upward through 3 meter displacement, the value of g on earth surface मुझे given है 10 meter per square, ठीक है, अगर मुझे बेटा अगर कुछ given नहीं है तो मैं 9.8 meter per square ही यूज करूंगी, अगर मुझे गिवन हो जाती है तो मैं 10 या जो भी मुझे गिवन है मैं वो यूज करूंगी, ठीक है। तो मुझे क्या गिवन है ऑन अ प्लेनेट वो साइज इज सेम एंड मास इज 4 times एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है, साइज तो है सेम पर मास क्या है, वहां का मास क्या है 4 of mass of earth, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लिफ्ट 3 kg मास वेलोसिटी अपवर्ड थ्रू 3 meter डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वर्क डन पूछा गया है कि अगर मुझे 3 kg का मास ऊपर थ्रो करना है 3 meter डिस्प्लेसमेंट तक तो वो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट आ जाएगा इसके वेलोसिटी वाला, तो मेरा देखो यहाँ पे जो मेरा जी है किसी अलग प्लेनेट पे क्या होगा जी 4mE/r², ठीक है, क्योंकि यहाँ का जी क्या होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो मेरा वहां का जी क्या हो जाएगा ये 4 times है मास ऑफ अर्थ के, ठीक है, तो मेरा ये क्या होएगा
जीपी इज इक्वल टू 4gm बाय आर स्क्वायर। अब ये देखो तो जीपी मेरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, अब मुझे जी गिवन है 10, तो मेरा उस प्लेनेट पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो मैं वर्क डन कैसे निकालूंगी, जीपी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट मुझे गिवन है 3 मीटर तक अपवर्ड करना, ठीक है, वेट मुझे गिवन है, मास मुझे गिवन है दूसरी बॉडी का 3 kg। ठीक है, तो वहां पे जो मेरा वर्क डन होगा क्या होगा, mgh। ठीक है, वर्क डन मेरा होता है mgh, मास मेरा कितना है 3 kg, जी मेरा 40 एंड मेरी हाइट क्या है, हाइट में मेरी क्या है 3 मीटर। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 360 जूल। ठीक है, तो किसी भी मैं अगर दूसरा मेरा प्लेनेट है वहां का जो मेरा मास है वो अर्थ के मास से कितना है 4 टाइम। ठीक है, अर्थ के मास के वो 4 टाइम है, देन मैं वहां से निकालूंगी कि मेरे उस प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, देन मैं पुट करूंगी वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, देन मैं वर्क डन निकालूंगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 360 जूल्स। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल यही खत्म होता है, साथ ही साथ ये लेक्चर भी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.